देख रहे हैं आज की न्यूज। किनवट के कमथाले के रहने वाले सतीश अनुरत सूर्यवंशी उम्र 35, वो अपने खेत में चने की और ज्वारी की रखवाली कर रहे थे। 25 फरवरी को सुबह 6:30 बजे के आसपास भालू ने उन पर पीछे से हमला किया, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। अपने बचाव के लिए जोरों से आवाज देने पर पड़ोस के किसानों ने बीच बचाव किया, जिसकी वजह से भालू वहां से भाग निकला। किसान जख्मी हालत में लोगों ने उनको उप जिला रुग्णालय में भर्ती कराया गया किनवट के। वहां से उनको आगे के उपचार के लिए नांदेड़ रवाना किया गया। अधिक जानकारी के अनुसार किनवट के करीब 4 किलोमीटर दूरी पर कमथाला गांव में एक किसान सतीश अनुरोध सूर्यवंशी उम्र 35 ये अपने खेत में चना और ज्वार की रखवाली कर रहे थे। 25 फरवरी को सुबह 6:30 बजे खेत में उन पर भालू ने पीछे से हमला किया। तब किसान ने अपने बचाव के लिए जोरों से आवाज देने पर पड़ोस के किसान उमाकांत कराड़े पाटिल, देवानंद बोयर, सागर सूर्यवंशी, नंद कुमार पतंगे, सदाशिव भरकड़ ये उनके करीब पहुंचते ही भालू वहां से भाग निकला, जिसमें किसान के सिर, हाथ और चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट होने से उन्हें किनवट के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको आगे के इलाज के लिए नांदेड़ रवाना किया गया।